Om Shanti. Pandra November. बाबा बहुत श्रेष्ठ नशा हम सबको चढ़ा रहे हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाया है, तुम मेरी संतान बन गए हो, तुम मेरे साथ श्रीमत पर चलकर भारत को पैराडाइज बना रहे हो, तो तुम्हें नशा होना चाहिए। हम कल कल भारत को पैराडाइज बनाते हैं, अब फिर से बना रहे हैं, हम ही उसके मालिक बनेंगे। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ, नाम श्री कृष्ण का लिख दिया है। श्री कृष्ण ने किसी को राजयोग नहीं सिखाया, उनको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं था, वे तो सतयुग में थे, फर्स्ट प्रिंस थे, वहां ज्ञान की बात ही नहीं होती है। उन्होंने 84 जन्म लेकर अब जब ये ब्रह्मा बन गए हैं, तो मैं इनके तन में आकर इन्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें फिर से ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनाने आ गया हूँ, अब तुम मेरी मत पर चलो। ये भी तपस्या कर रहे हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा दिखाया है, वो संपूर्ण ब्रह्मा है, देवता। यहाँ है प्रजापिता ब्रह्मा, फरिश्ता बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तुम भी उनके साथ यहाँ तपस्या कर रहे हो फरिश्ता बनने के लिए। एकदम तो मनुष्य तुम देवता नहीं बन जाओगे, मैंने पहले तुम्हें ब्राह्मण बनाया, शूद्र से ब्राह्मण, फिर तुम ब्राह्मण से फरिश्ते बनते हो, फरिश्ते से देवता बनते हो, इसी क्रम से तुम्हें आगे चलना है। मैं तुम्हें माया से युद्ध करने की कला सिखा रहा हूँ, जो माया को जीत लेते हैं इस युद्ध में, वही जगत जीत बन जाते हैं, राजयोग से और ज्ञान के द्वारा। काम क्रोध लोभ अहंकार जो ये माया है, इस पर तुम्हें जीत प्राप्त करनी है। मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे रहा हूँ, सुदर्शन चक्रधारी बना रहा हूँ। तुम जब इस संसार में आए तो क्या थे, मनुष्यों को तो पता ही नहीं ये लक्ष्मीनारायण कौन है, कब आए थे, इन्होंने क्या किया, केवल मंदिर बने हैं, स्त्री पुरुष जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, उन्हें माता पिता कह देते हैं। श्री कृष्ण राधे और लक्ष्मीनारायण का क्या नाता है, ये भी कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण और राधे ही स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो तुम जब सवेरे उठते हो तो ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बैठो, यानी ज्ञान का चिंतन, हम कैसे थे, परमधाम से इस धरा पर आए थे, जो शुरू शुरू में आए थे वही अब फिर से परमात्मा से आकर मिले हैं। सबसे पहले जब सब आत्माएं वहां से नीचे आएंगे, फिर मैं सबको वापिस अपने घर ले चलूंगा। तो तुम कैसे देवता से क्षत्रिय, फिर वह शूद्र और अब ब्राह्मण बने हो, ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहे, चलते फिरते भी घूमता रहे। तुम्हें इस पढ़ाई का भी नशा बहुत होना चाहिए, ऐसे नहीं कभी पढ़े कभी नहीं, कभी क्लास की कभी नहीं, रोज क्लास करनी चाहिए, रोज मुरली सुननी चाहिए, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान का ग्रंथ पड़ता जाएगा, तुम्हारी स्थिति महान बनती जाएगी। यूं तो देवताएं बहुत श्रेष्ठ हैं, पर तुम ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। मैं तुम्हें स्वयं पढ़ाने आया हूँ, मैं ही तुम सबका उद्धार करने के लिए आ गया हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ, सदगति दाता हूँ। तुम मेरी मत पर चलते हो, तुम्हारा उद्धार हो जाता है, तुम फिर से विश्व की राजाई ले लेते हो। मैं भारत में ही आता हूँ, यहीं आकर मैं सबका उद्धार करता हूँ, सभी धर्मों की आत्माओं को गति सदगति दे देता हूँ, बहुतों को मुक्ति मिल जाती है, दूसरों को जीवन मुक्ति मिल जाती है। मैं भारत में आता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, तो भारत खंड भी अविनाशी है। भारत वालों को भी नहीं पता, दुनिया वालों को भी नहीं पता कि भारत भूमि भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है, इसलिए सारे संसार के लिए, सभी धर्म वालों के लिए ये महान तीर्थ है,
आगे चल के ये प्रत्यक्ष होता जाएगा कि यहीं पर भगवान आकर सबका उद्धार कर रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं। ये भारत पवित्र देवी देवताओं की भूमि है। भारत बहुत साहूकार था, सारे विश्व में सबसे महान। जन्म लेते लेते तुम नीचे उतर गए हो, अब तुम फिर से मेरे पास आ गए हो। मैं तुम्हें ये सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, तो तुम्हें राजयोग सीखकर, इस पढ़ाई पर ध्यान देकर माया पर विजयी बनना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। देखो, भगवान जैसी महान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास पूरी होनी चाहिए। पढ़ाई से ही तो हमारा जीवन बदलेगा। ये पढ़ाई कोई रटने की पढ़ाई नहीं, ये पढ़ाई तो जीवन में धारण करने की पढ़ाई है। अवगुणों को छोड़ सद्गुण धारण करने की पढ़ाई है। बाबा कहते हैं, इस रावण ने तुम्हारी दुर्गति कर दी है। ये किसी को पता नहीं दुनिया में कि ये दुख क्यों बढ़ा, ये अशांति क्यों बढ़ी, ये मारामारी क्यों हुई। पांच विकारों ने तुम्हारी ये दुर्गति कर दी है, इसलिए अब इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही चाहिए, क्योंकि नई सतयुगी दुनिया आने वाली है। सामने महाभारत युद्ध तुम देख रहे हो खड़ा है, वहां भी युधिष्ठिर दिखाया है। मैं तुम्हें युद्ध करना सिखा रहा हूं, माया पर युद्ध करना। बाबा ने ये बात बोली है दो तीन बार, क्योंकि माया पर हमें विजयी बनना है। तो रोज सवेरे उठकर और सोने से पहले हम स्वदर्शन चक्र का चिंतन किया करेंगे, अपने को रियलाइज कराएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हम कौन थे, हम कितने महान थे, कितने पवित्र देवता थे, जिनके आगे जाकर मंदिरों में सभी नमन करते हैं। अगर हमें ये याद आएगा तो वो पवित्र संस्कार हमारे जीवन में धारण हो जाएंगे। वरदान है बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव, अर्थात बाप दादा में जो गुण और कर्तव्य हैं वही हमारा लक्ष्य हो। मनुष्यों को हम अपना लक्ष्य नहीं बनाए, निशाना नहीं बनाए, ये ऐसा करता है हम भी ऐसा करें। तुम अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने वाले हो, तो अधर्म का विनाश करने वाले कोई अधर्म का कार्य तो कर ही नहीं सकते। तुम्हें ये चिंतन रहेगा, जो कार्य बाबा ने किया वही मुझे करना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ के प्रश्नों को समाप्त कर दो, तो उनमें जो समय जाता है वो बच जाएगा। तो आज हम चिंतन भी करेंगे, हम कितने महान थे, कितने पवित्र थे, किसने बनाया था, किसके सम्मुख इस समय हम विराजमान हैं। भगवान पढ़ा रहा है तो उसकी पढ़ाई की हमें कितनी वैल्यू होनी चाहिए। और सवेरे उठकर भी स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, सारा दिन में कम से कम 8 बार पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और ये प्रैक्टिस करेंगे, ये देह छोड़कर अब मुझे वापिस अपने धाम जाना है। ओम शांति।